हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। सो आज मैं जा रही हूँ अपना फ़ोन लेने, जिसका इंतज़ार 40 दिन से हो रहा है। बुक मैंने किया था अपने बर्थडे पे, विच वाज 9th of September, और आज है 20th of October। सो इट टुक 40 डेज, और कल ही मुझे रात को फ़ोन आया है एप्पल के स्टोर से कि आपका फ़ोन आ गया है, ले जाइए। तो अभी आई एम ऑल रेडी एंड यू कैन मैं निकल रही हूँ। एक्चुअली अमायरा के पापा इधर हैं नहीं, ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन फॉर 2-3 डेज, और अब कल ही फ़ोन आया है। तो माई ब्रदर इज़ हेयर, माई लिटल ब्रदर। एक्चुअली ही वर्क्स इन हिज ऑफिस, तो ही इज़ हिज जूनियर, बट ही कॉल मी भाभी एंड मैं उसको अपने भाई की तरह समझती हूँ। तो वो भी आ रहा है, तो मैं उसके साथ जाऊँगी, बिकॉज फ़ोन तो लेना है, राइट? तो वी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम। मम्मी ऊपर हैं, बिकॉज अगर मैं थोड़ी बहुत भी लेट होंगी ना, तो मम्मी विल टेक केयर ऑफ हमायरा। तो वी वेट कर लेते हैं, ही विल बी हियर इन फ्यू मिनट्स। वेदर ना बहुत अच्छा हो गया है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है। आई थिंक श्रीनगर में ना बर्फ़ पड़ी है, तो थोड़ी सी ठंड हो गई है। अभी तूफान भी चल रहा है, पर अभी मौसम तो ठीक है, ऊपर बादल तो नहीं है, बट यू नेवर नो कब क्या हो जाए। सो अभी हम निकल गए हैं और मेरा भाई मुझे लेने आ गया है। अभी हम सिम लेंगे और फिर चलते हैं फोन की तरफ। लेट्स गो। फाइनली the phone and we have just the cable, that's it. Let's do the payments now. Done. That's the prize just for the screen guard. Welcome to Apple family. Hello. ये चाइनीज में क्यों बोल रहा है? मैम नमस्ते भी आता है। होला, ओके, स्पेनिश भी आ गया। व्हाट नेक्स्ट? बोंजोर, फ्रेंच भी आ गई। व्हाट नेक्स्ट? नमस्ते, फाइनली हिंदी। अभी से शूट करते हैं, फिर देखते हैं कैसा शूट हो रहा है। एवरीवन, सो आज है 16th of November, एज यू कैन सी। लास्ट मंथ 20th को मैं ये लेके आई थी, ये जो आपने अभी तक अनबॉक्सिंग एंड वो सब देखा है, वो 20th of October का है, दिवाली से पहले। और अभी मुझे ऑलमोस्ट 1 month होने वाला है इसको यूज़ करते हुए। सो आई थॉट कि थोड़ा सा यू नो इसका फर्स्ट इम्प्रेशन भी आपको दे दूँ, बट ऑफकोर्स आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, तो उतनी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं दे पाऊँगी। बट हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ मैं सिर्फ ये कंपेरिजन कर सकती हूँ, जो मेरा पहले का फ़ोन था, दिस इज़ सैमसंग S9 Plus, इस तरह का दिखता, बट एज यू कैन सी ये भी बिल्कुल न्यू लग रहा है, बिकॉज मैं अपने फ़ोन्स को बहुत संभाल के रखती हूँ। अभी इसको 3 साल हो चुके हैं फ़ोन को, बट एज यू कैन सी अभी भी टस से मस नहीं हुआ है ये। सो मेरे फ़ोन का ऐसा रहता ना कि मेरे फ़ोन्स में जब तक वो खुद से बंद ना हो जाए ना, तब तक मैं वो फ़ोन छोड़ती नहीं हूँ। इससे पहले मेरे पास Note 3 था, तो वो था तभी मैंने ये वाला ले लिया था, बिकॉज उसमें मुझे ना डेमोज का प्रॉब्लम होता था, बिकॉज उसकी कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी और मेमोरी की भी प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज उस टाइम पे मैंने चैनल स्टार्ट कर लिया था। तो जब चैनल स्टार्ट हो चुका था, उसके बाद फिर मैंने ये वाला S9 Plus में इन्वेस्ट किया था, एंड सिंस देन यू हैव बीन सीइंग एवरी डेमो इसी फ़ोन में आप देखते हो, टेक्स्चर शॉट्स एवरीथिंग आप इसी फ़ोन से देखते हो। बट ऑफकोर्स मैं फ़ोन से ही एडिट करती हूँ, तो जैसे कैमरा वाले जो क्लिप्स होते हैं
इनको मैं पहले लैपटॉप में डालती हूँ, लैपटॉप से फिर फ़ोन में ट्रांसफ़र करके फ़ोन से ही एडिट करके डालती हूँ, तो थोड़ी से जो पिक्सल्स हैं वो थोड़े से गिर जाते हैं लाइक जो कैमरा के क्लिप के हैं, बट पिक्चर्स एंड एवरी थिंग डे लाइट के लिए दिस फ़ोन इज़ परफेक्ट. बट अभी क्या हो रहा था कि मुझे इसके अंदर थोड़ा सा मेमोरी का प्रॉब्लम हो रहा था, दैट्स वाई आई वॉन्टेड समथिंग यू नो जिसमें मेमोरी अच्छी खासी हो और मुझे प्रॉब्लम ना आए, दैट्स वाई ये मैंने लिया है 512 MB. स्टिल यू नो इट टुक 40 days. तो उसके बाद फिर आपको पता है गोवा जब मैंने जाना था तो मैंने ये नया कैमरा ले लिया था, मेरा जो पुराना था कैनन 700D में यूज़ करती थी वो सब कुछ ठीक था, बट जैसे भी ऑटो फोकस है ना, देखो मैं आगे कर रही हूँ तो ये फोकस ले रहा है, पीछे हटाऊँगी तो एकदम से फोकस पकड़ ले रहा है, वो उसमें नहीं था, उसमें हिस की नॉइस आती थी बहुत ज़्यादा. तो जब ये फ़ोन नहीं आया तो फिर मैंने ऑफकोर्स ये मार्क टू ले लिया है. अब तो 46,000 मुझे और खर्चने पड़े हैं लाइक वो कैमरा दे के, अगेन ऊपर से और 46,000 मुझे देने पड़े हैं इस कैमरा के जिसमें अब आप देख रहे हो. लेट मी नो कि अब आपको यू नो क्लैरिटी कैसी लगती है, बट मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है. इवन अब मैं डेमो भी इसी से शूट कर रही हूँ, जो पिछले आप 1 month से वीडियोज़ के जो डेमोज़ देख रहे हो वो सब इसी में है. तो इसमें क्या है ना, अब इसमें क्या होता था, थोड़ी सी स्किन ना स्मूद हो जाती थी, सॉफ्ट लगती थी, मार्क्स भी कम विजिबल होते थे, बट इसमें एक एक चीज़ आपको दिख जाती है क्लियरली कि हाँ यू नो कहाँ पे दाग है, कहाँ पे पिगमेंटेशन है. तो और ऑटो फोकस पकड़ लेता है बहुत अच्छे से. तो आई एम जस्ट इन्जॉइंग, आई एम जस्ट लविंग दिस कैमरा. कमिंग बैक टू दिस आईफोन, नाउ एज आई सेड कि मेरा पर्पस इससे भी सर्व हो रहा था. द ओनली इशू विद दिस फोन वॉज कि इसमें ना नाइट के टाइम पे ये मर जाता था, लाइक रात के टाइम पे अगर मैं कुछ ब्लॉग कर रही हूँ तो लाइट नहीं है तो वो बिल्कुल भी कुछ कैच नहीं कर पाता था, पिक्चर्स भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ पाती थी, फ्लैश ऑन करो तो फिर फ्लैश से यू नो वो बहुत ही अजीब सा पिक्चर आता था. तो रात के टाइम पे ये थोड़ा सा यू नो डाउन चला जाता था. वेयर एज़ अभी जब मैं इससे शूट कर रही हूँ, अगर आपने मेरे दिवाली वाले ब्लॉग्स देखे, दिवाली वाला ब्लॉग देखा है, तो उसमें जो जब हम क्रैकर्स कर रहे थे ना वो हमने फिर इसी मैंने इसी फ़ोन से शूट किया था. बट उसमें क्या हुआ ना कि मैंने वो एडिट भी इसी में किया, बट पता नहीं वो क्वालिटी कैसे गिरी, कैसे वो अजीब सा ब्लर ब्लर सा, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बहुत ब्लर ब्लर वाला पोर्शन है जहाँ पे हम पटाखे कर रहे हैं. दो जब मैं इसमें देख रही थी तो एकदम फुल HD वाला क्लैरिटी इसमें नज़र आ रही थी, बट जब वो मैंने एडिट किया, मैंने आई थिंक VN करके एक सॉफ्टवेयर है शायद उससे मैंने किया, बट आई डोंट नो अभी अच्छे से नहीं हो पाया बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम था VN सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करने का, तो आई डोंट नो क्या हुआ है. बट ये है कि मुझे एप्पल का ही लैपटॉप लेना पड़ेगा, बिकॉज जब मैं इससे कुछ भी यू नो वीडियो इसमें भेजती हूँ तो पिक्सल गिर जाते हैं. इवन मैंने मेल करके भी भेजा है तो पिक्सल ये गिर ही जाते हैं. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग. यही एक्चुअली प्रॉब्लम थी जो मैं अभी तक आईफोन की तरफ नहीं जा रही थी, बिकॉज अब मुझे पता है मैंने अभी ये लिया है तो या तो इसी में सारा ये वाला भी शूट करके मैं इसी में ही एडिट करके तब डालूँ, तब क्लैरिटी अच्छी होगी. बट आई पर्सनली फील कि जब इससे मैं शूट करूँगी ना तो मुझे देखो ऐसे सामने रख के इसको शूट करना पड़ेगा फ्रंट से, ताकि मैं देख सकूँ कि मैं क्या दिखा रही हूँ और मैं दिख भी रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ. अगर मुझे ऐसे बैक करके ही बनाना है तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा ना कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या बन रहा है उस तरफ, क्या दिख रहा है. तो बैक कैमरा इज़ रियली गुड. तो बैक कैमरा और आई थिंक ये वाला ऑलमोस्ट सेम होगा, बट फ्रंट की जब बात आती है तो फिर बात वही आ गई ना. तो फ़ोन फ़ोन ही है, कैमरा कैमरा ही है. तो अब यही है कि अब मुझे मैंने जब आपने देखा होगा लास्ट में मैं मैकबुक भी देख रही थी तो वो मैं देख के आई हूँ, आई थिंक सेम ही प्राइस की वो भी पड़ेगी 180 के आसपास की, 170 और 180 के आसपास का. तो अभी पैसे जोड़ती हूँ, फिर प्रोबेबली दिसंबर तक ले लूँगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर होपफुली, तब तक मैं उतने पैसे सेव कर पाऊँ. तो वो लेना पड़ेगा मुझे अब, तब फिर यहाँ से उसमें लैपटॉप में ट्रांसफ़र करके क्लिप्स को एंड देन फिर यू नो लैपटॉप से ही मुझे एडिट करना पड़ेगा. तो आई डोंट नो कि अब इसका मेरे को क्या यूज़ लग रहा है. बस हाँ ये है कि इसमें स्टोरीज अच्छी बन जाती हैं, रील अगर इसी से बनानी है तो बन जाएगी. बट स्टिल यू नो अभी मैं बहुत ज़्यादा ऐसे अमेज नहीं हुई हूँ. हाँ पिक्चर्स के लिए इट्स गुड बिकॉज वाइड एंगल है, सुपर वाइड एंगल की भी ऑप्शन इसमें है, पैनोरामा पैनो वाली ऑप्शन है. लाइक वैसे तो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल ऑप्शंस है इसमें, बट आई थिंक अभी तक जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस पे गया है ना कि एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इट्स नॉट ईजिली लाइक जैसे स्मूद नहीं है प्रोसेस, लाइक यू हैव टू डू एक्स्ट्रा थिंग्स व्हेन इट कम्स टू दिस. और इवन स्क्रीन जिसका स्क्रीन गार्ड था वो भी 3,500 रुपये का लगा है. इवन जो ये मैंने इसका ट्रांसपेरेंट कवर लिया था
ये भी 1000 रुपये का है, लाइक जो हमें 250-300 के कवर मिलते हैं बाकी फ़ोन्स के, वही इसके 1000 से शुरू है। ये मैंने लिया था ट्रांसपेरेंट बिकॉज इट्स अ गोल्ड कलर, तो और ये भी इसके ऊपर भी वो लगवाया है कैमरा के ऊपर, जो कैमरा गार्ड्स होते हैं पीछे सारा, मतलब ये सारा ताम झाम करके ना ये मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया है। इस तरह का ये कवर दिखता है, आई लाइक दिस वन। और एक और मैंने लिया था इस तरह का, ये ट्रांसपेरेंट सा है पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस पर ना, यहाँ पर गुची लिखा हुआ है, बट स्टिल मैंने ले लिया है फॉर द बैकअप कि अगर कभी यू नो अगर मुझे ये चेंज करना है तो आई कैन गो फॉर दैट। बट वो मैंने रात को लगा के देखा था, मज़ा नहीं आ रहा जो मज़ा ट्रांसपेरेंट का है, बिकॉज मैंने यही वाला कलर लिया है बिकॉज बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपको ना पर्पल लेना चाहिए था, बिकॉज पर्पल अगर पर्पल लेते तो लगता कि हाँ 14 लिया है, अभी तो देख के ऐसा लग रहा कि 13 ही है, सो आई डोंट केयर बिकॉज पर्पल कलर मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था। मैंने सोचा था कि जब भी मैं आईफोन लूँगी तो मैं गोल्ड कलर ही, विच इज़ अ क्लासिक कलर, सो या दैट्स वाई आई हैव गॉट इट। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ठीक है, अभी तक एज सच मुझे कोई बहुत ज़्यादा यूज़ इसका नहीं हो पाया है, बिकॉज इससे ज़्यादा यूज़ मैंने अपना ये कैमरा किया है, एंड आई एम मोर हैप्पी फॉर माई कैमरा नॉट फॉर द फ़ोन। ये मैं अभी भी मैं ये ना लेती, बट मेरा काम है तो मुझे लेना पड़ा, अदरवाइज़ मैं इतना महंगा फ़ोन मैं कभी भी नहीं लेती, लाइक इतना कर ठीक है। बट हाँ अब बोलते हैं कि इट्स द बेस्ट ऑफ द फोन्स, तो ठीक है मैंने ले लिया है। बट हाँ इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है या इंस्पिरेशन मिली है कि जो आप चाहते हो वो आप डेफिनेटली पा सकते हो, आज नहीं कल, साल लग सकता है, 2 साल लगता है, लग सकता है, बट यू गोना अचीव वट एवर यू हैव डिज़ायर। अपने आप पे ट्रस्ट रखिए और बस मेहनत करते जाइए और फल आपको भगवान अपने आप देंगे। सो या ये था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस, अगर थोड़ी सी भी इससे आपको मोटिवेशन मिली है तो थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।